अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को दिया जहर। रिपोर्ट्स, किसी अनजान व्यक्ति ने की दाऊद को मारने की कोशिश। कराची में अस्पताल में भर्ती है दाऊद। रविवार देर रात से ही ऐसी खबरें कई हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी वेबसाइट्स पर चल रही हैं। सोशल मीडिया पर दाऊद को लेकर आए इस अपडेट के बाद से हड़कंप मच गया। मुंबई पुलिस और खुफिया एजेंसियां अलर्ट पर लग गई। हालांकि इस खबर को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक सूचना जारी नहीं की गई, लेकिन इस वीडियो में हम आपको दाऊद से दुश्मनी लेने वाले उस गैंग के बारे में बताएंगे जिसे एक बार दाऊद के करीबी कहे जाने वाले महादेव बैटिंग ऐप के मालिक सौरभ चंद्राकर ने धमकी दी थी। ये वही गैंग है जो गाहे बगाहे सलमान खान को धमकी देता रहा है, जिस पर करणी सेना प्रमुख सुखदेव सिंह गोगामैड़ी और सिद्धू मूसेवाला की मौत के आरोप है, यानी लॉरेंस बिश्नोई गैंग। कुछ समय पहले अपना दबदबा बढ़ाने के लिए लॉरेंस गैंग ने महादेव ऐप के मालिक सौरभ चंद्राकर को वसूली के लिए फोन किया, लेकिन बिश्नोई गैंग को यह धमकी उल्टी पड़ गई। महादेव बैटिंग ऐप के मालिक सौरभ चंद्राकर ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को ही उल्टा चमका दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक सौरभ चंद्राकर ने फोन पर वसूली के लिए आए फोन पर कहा, अगली बार गलती से भी फोन मत कर देना, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा, और फोन करके पैसे मत मांग लेना। ऐसा कहा जाता है कि ये धमकी खुद सौरभ चंद्राकर ने नहीं दी थी, बल्कि दाऊद इब्राहिम की शह पर दी गई थी। दरअसल चंद्राकर का रिश्ता अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से बताया जाता रहा, इसलिए उन्होंने तब लॉरेंस गैंग को शांत कर दिया था। हालांकि इस मामले में ऐसी खबरें भी आई कि दाऊद इब्राहिम लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ हाथ मिलाना चाहता था, जिससे वो फिर से भारत में अपनी जड़ें जमा सके। इस सिलसिले में लॉरेंस के भाई अदमोल बिश्नोई ने दाऊद गैंग के सदस्यों से विदेश में मुलाकात भी की थी। एक समय में दाऊद का जबरदस्त खौफ था, आम आदमी से लेकर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज तक उससे खौफ खाया करते थे। 1993 मुंबई ब्लास्ट के बाद दाऊद को देश छोड़कर भागना पड़ा। भारत सरकार ने उसे वापस लाने और उसके गुनाहों की सजा दिलाने के लिए ना जाने कितनी कोशिशें की, लेकिन उसे वैसी सफलता नहीं मिल सकी। अब एक और गैंग देश में पैर पसार रहा है, लॉरेंस बिश्नोई गैंग। लेकिन अब जब दाऊद को जहर देने की खबरें आ रही हैं, ऐसे में एशिया के किंग की बादशाहत पर फिर से खींचतान शुरू हो गई। ये खबर कितनी सही है इसका पता तो वाले वक्त में ही चलेगा। हालांकि दाऊद इब्राहिम को जहर देने वाली रिपोर्ट्स पर उनके करीबी छोटा शकील ने इन सभी खबरों को अफवाह बताकर सिरे से खारिज कर दिया है। लेकिन इस खबर से जुड़ा जो भी अपडेट होगा वो सबसे पहले आपके लिए लेकर आएगा लल्लन टॉप। देश और दुनिया से जुड़े और भी वीडियोस आप हमारे चैनल पर आकर देख सकते हैं। साथ ही साथ इस वक्त संसद में कार्रवाई चल रही है, उससे जुड़े जो भी वीडियोस आपको चाहिए वो आपको संसद में आज में मिलेंगे। उसके लिए हिमांशु जी ने पूरी तैयारी कर ली है, वो वीडियो कुछ ही देर में हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा। देखते रहिए लल्लन टॉप। शुक्रिया। सिर्फ 59 रुपए महीने में पाइए YouTube पर LT प्रीमियम। किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देखिए हमारे प्रीमियम प्रोग्राम जैसे गेस्ट इन द न्यूज रूम, किताब वाला आदि। इसके अलावा बहुत कुछ। सब्सक्राइब करने के लिए लल्लन टॉप के YouTube चैनल पर जाकर क्लिक करें ज्वाइन बटन।